वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज नेहा जेठवानी। कैसे हो आप सब? सिंस आई एम इन इंडिया, आई डिसाइडेड टू शूट सम ब्लॉग्स फॉर यू गाइज। एंड अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम इन उदयपुर। आई थॉट व्हाई नॉट शो यू गाइज अराउंड। मेरा मेन रीज़न यहाँ था कि मुझे एक्चुअली उदयपुर देखना भी था, और द सेकेंड थिंग वॉज कि मुझे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस है, इतना ब्यूटिफुल सिटी है। सो आई वॉज लाइक क्यों ना कुछ अच्छा सा शूट प्लान करें। आई गॉट इन टच विथ माई फेवरेट डिज़ाइनर, एज यू गाइज नो, प्राइड ऑफ गुजरात अनुज क्रिएशन। कल से वो शूट स्टार्ट होगा, लाइक इट्स जस्ट फॉर टू डेज। दिन हम कुछ नहीं कर रहे, आज के दिन हम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर। ऑल्सो हम सुबह सुबह ही निकल गए थे आनंद से, कुछ 5 आवर्स में पहुँच भी गए। अभी मेरे हाथ में झुमका है, कितना प्यारा झुमका है। आई डोंट नो हाउ टू वेयर दिस, ऐसे ऐसे। मेरे मॉम मेरा अभी पहला शूट करने वाला है इंस्टाग्राम के लिए, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आई शो यू माय फाइनल लुक आफ्टर आई वेयर ऑल दिस ज्वेलरी। उसके बाद हम यहीं पे शूट कर लेंगे, क्योंकि आई वाज लाइक पहले मैं ऐसे सोच रही थी यार सिटी में जाना पड़ेगा, बट यहाँ होटल में इतने अच्छे लोकेशन है। ज़्यादा बातें किए बिना मैं रेडी हो जाती हूँ। Pretty Jhum Pass, pretty views, pretty location. Oh my god! धूप ज़्यादा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से शूट कर लेते पहले। हिडन विद द शूट, मैंने काफ़ी क्यूट पिक्चर्स एंड वीडियोज़ किए, थैंक यू। ओके सो विल गो बैक इन अ रूम, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। आई फील सो रिलीव्ड, इतने बड़े बड़े हैवी हैवी झुमके जो उतार के मुझे अच्छा लगा है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग एक और एक लुक फटाफट शूट कर लेती हूँ। एज आई सेड अनुज क्रिएशन के साथ शूट करना है, सो आई गेट बिजी उनके साथ, इसीलिए आज मैं जितना हो सकता है जल्दी जल्दी शूट कर लेती हूँ। सो आई एम रेडी फॉर द सेकेंड लुक, जाके अभी शूट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम है अभी आज का दिन। मैं आपको आउटफिट बताती हूँ अभी बाहर जाके। एंड मैंने सोचा कि इस लुक में थोड़ा बिंदी भी लगा लेते हैं, काफ़ी प्यारा लुक आया है। मॉम आर यू रेडी टू शूट? एंड और भी आउटफिट में शूट करना था, बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है एंड कल के लिए आई हैव टू सेव माय एनर्जी, इसलिए डिसाइडेड अभी आज के लिए इतना बस रखते हैं। ओके सो हमने लंच ऑर्डर कर दिया है। आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इस खाते मैं रात को भी सोई नहीं अच्छे से, सिर्फ कार में 1-2 घंटे सोई थी। तो या जल्दी से जब लंच आएगा मैं खाना खा के सो जाऊंगी। मैंने सारी अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर की है, एंड माय मोस्ट फेवरेट चीज़ केक एज वेल। एज यू गाइस कैन सी, द व्यू फ्रॉम माय होटल टेरेस एट नाइट टाइम वाज ब्रेथ टेकिंग। सो अब मैं जल्दी से सोने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे 3 AM को जाना है रेडी होने फॉर माई फर्स्ट लुक, एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो जाते हैं। So here I'm getting my hair and makeup done by Prachi Makeovers and wearing my favorite Anuj Patel outfit. So damn pretty, thanks to Prachi and Anudi. So I know some of you would be wondering कि हमने outfit कहीं देखा है। तो जिसको नहीं पता मैं बताती हूँ कि हमने वी टुक दिस इंस्पो फ्रॉम अलाना पांडेज वेडिंग आउटफिट, बिकॉज आई लव्ड हाउ प्रिटी शी लुक्ड इन दैट। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई बाई माई सेल्फ कि मेरे पे कैसे लगेगा, एंड आई न्यू के पिक्चर्स बहुत सुंदर आएंगे इसीलिए। सो वी आर फाइनली डन विद आवर फर्स्ट आउटफिट, सनराइज में पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं। आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट तो कर ही दिया होगा इंस्टाग्राम पे। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द सेकंड लुक एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज अभी मुझे मेकअप करवाने जाना है फॉर माई सेकंड लुक। क्या टाइम हो रहा है मम्मा? 4:03 It's 3 PM right now, and
going to get the makeup done. And this is my bare face. थोड़ा redness हो चुकी है क्योंकि मैं धूप में shoot कर रही थी सुबह से. Yeah, मैंने lip gloss लगा दिया है. So I'm so excited to shoot for my second look. And आप लोग comment section में भी बताना कि which one is your favorite look. Hi, कितनी pretty लग रही हूँ. मैंने काला टीका भी लगवा दिया है. और कोई तारीफ करे ना करे, हमें खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए. एंड यहाँ मेरा हेयर एंड मेकअप हो रहा है पर मेरा खाना नहीं रुक रहा. सो फॉर माई सेकेंड लुक आई एम वेयरिंग अ साड़ी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से बॉलीवुड जैसी वाइब में शूट करना था इसलिए. यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, जस्ट लुक एट माई रिएक्शन आफ्टर सीइंग माई फोटोज. पिक्चर्स इतने ज़्यादा अच्छे आए थे दैट आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लुकिंग एट देम. ऑल थैंक्स टू दीप, उन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए थे. मतलब इतने ज़्यादा सुंदर फोटोज़ मेरे आज तक नहीं आए होंगे. सो वी आर फाइनली डन विथ आवर सेकेंड शूट एज वेल. एंड हम 3 AM से शूट कर रहे थे एंड इट वॉज 8 PM ऑलरेडी. सो मेरा ऐसा था कि मुझे रूम में ही खाना चाहिए था और मुझे सो जाना था. बट मेरे मॉम ने मुझे कन्विंस करा कि इतना हम आए हैं उदयपुर तो तू थोड़ा एंजॉय भी कर ले. तो हम गए ऊपर जहाँ अच्छे से कैंडल नाइट व्यू के साथ हमने डिनर करा. एंड दैट वाज लिटरली द बेस्ट मोमेंट सिंस आई केम इंडिया क्योंकि इतना पीसफुली मैंने खाना ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा, वो भी मेरे मॉम के साथ. सो आई एम ग्लैड मैंने मॉम की बात मान ली और हम यहाँ पे आए खाने, बिकॉज वो बहुत ही क्यूट मोमेंट था एंड इतना पीसफुल मुझे कभी फील नहीं हुआ होगा. सो हम वहाँ पे कैंडल नाइट डिनर करके फिर हम सोने चले गए. सो अगेन फॉर द नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 2 AM, वॉश माई हेयर एंड स्टार्टेड गेटिंग रेडी एट 3. एंड यू गाइस कैन इग्नोर हाउ कॉन्स्टेंटली आई एम यॉर्निंग. And we left for the most attractive spot of Udaipur and we made it before sunrise. So hum nikal gaye hamara lehenga leke. Look at this cutie. Sabse sundar jagah. एंड इतना प्यारा कलर था और जो लोकेशन थी उसकी तो आई एम स्पीचलेस. तो आपने मेरे IG पे देख ही लिया होगा कितने सुंदर एंड आउट ऑफ पिंटरेस्ट वाले फ़ोटोज़ आए हैं. सो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट द फोटोज़ एंड वीडियोज़. थैंक्स टू दीप, केयूर, अनु, प्राची, everyone. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई मॉम. सो दिस मेकअप वॉज डन बाय पारुल्स ब्राइडल एंड यहाँ हो रहा है मेरा थोड़ा सा टचअप एंड आई एम रेडी फॉर शूट. इस टाइम पे मुझे पता है मैं इतनी जोन आउट थी, पता नहीं इतना अच्छा लोकेशन था, इतना अच्छा आउटफिट था, बट आई डोंट नो व्हाई आउट ऑफ नो वेयर आई वाज जोन्ड आउट एंड आई वाज इन माय ओन हेड. फिर मुझे ऐसे हो रहा था ओह माय गॉड नेहा बाहर आओ, वी आर एट अ शूट, इतना कुछ हम यू नो कर रहे हैं, लाइक बी प्रेजेंट. So at this point we were done shooting for a third look as well and we were about to get our breakfast and मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी एंड आई वॉज क्रैंकी फॉर सम रीज़न. मे बी मुझे खाना नहीं मिला था इसीलिए. फिर खाना खाने के बाद थोड़ा मैं सही मूड में आ गई थी. मे बी आई वॉज टायर्ड क्योंकि नींद भी नहीं थी 2-3 दिन से, इसीलिए शायद हो सकता है. So now I'm getting ready for my final look and that would be the last outfit I'll be wearing. इस शूट के बाद I'll be heading to my home and इस पॉइंट पे मुझे ऐसे था कि लास्ट लुक शायद अच्छे से नहीं होगा
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस शो हो रही थी फेस पे, इवन दो आई वॉन्टेड कि मैं अच्छे से शूट करूँ, बट वो थोड़ा बहुत टायर्डनेस दिख रहा था. बट जैसे जैसे हम रेडी हो गए जल्दी से एंड वी मेड इट टू द शूट, एंड वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स आए. आई कांट वेट टू शो यू गाइस. मुझे तो चारों लुक इतने ज़्यादा पसंद आए. आई एम सो ऑब्सेस विद दोज पिक्चर्स. लेट मी नो कि आप लोग को कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा लगा है. And I'm so grateful to have the perfect team around me who worked so hard continuously for 3 consecutive days. And बहुत ही अच्छा शूट हुआ है and I'm so happy with the results. So यहाँ होता है हमारा शूट ख़त्म and मेरी उदयपुर की ट्रिप एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया उदयपुर में. बट अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, सो अब मैं जाऊँगी मेरे गाड़ी में एंड हम जाएंगे घर. I hope you guys like the video. Do like, comment, share, subscribe. Let me know in comment section which was your favorite look. I'll see you guys with next video. Ignore my tired face. हम barely सोए हैं दो दिन से. So please ignore my tired face. अभी मैं कार में ही सो जाऊंगी. See you guys with next video. Take care. Bye bye. Love you.